नमस्ते, मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं thelandtop.com। 28 सितंबर को उत्तरी गुजरात के सामरकांठा में 14 महीने की एक बच्ची से बलात्कार हुआ। बच्ची का परिवार ठाकुर समुदाय का है और जिसके ऊपर रेप का आरोप लगा है वो एक दूसरे प्रदेश का रहने वाला है। हम इस प्रदेश का नाम आपको इसलिए नहीं बताएंगे कि पहले ही बहुत हैट्रेड वहाँ फैल चुकी है और हम नहीं चाहते कि प्रदेश का नाम जानकर उस प्रदेश के लोगों के खिलाफ और भी गुस्सा आए, क्योंकि इस घटना के बाद ऐसा ही हुआ है। इस घटना के बाद गुजरात में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दूसरे हिंदी भाषी प्रदेशों के लोग टारगेट पर आने लगे। उन पर हमले हुए, उन्हें खदेड़ा गया। नतीजा, गुजरात में रहकर कमा खा रहे इन राज्यों के लोग काम काज छोड़कर अपने राज्यों में वापस आने लगे। सोशल मीडिया पर बहुत सारी तस्वीरें वायरल होने लगी। एक तस्वीर उनमें से ये भी है जिसके लिए लोग कह रहे हैं कि ये फोटो देखकर उन्हें विभाजन, जो भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उसका दौर याद आ रहा है। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि खचाखच भरी एक ट्रेन की फोटो दिख रही है। ट्रेन के अंदर इतनी भीड़ है कि गेट के बाहर भी ढेर सारे लोग लटके हुए हैं, ट्रेन की छत पर भी लोग बैठे हुए हैं। लोगों का कहना है, जो कमेंट्स कर रहे हैं, जिन्होंने पोस्ट शेयर किया है, ये बिहार और यूपी के लोग हैं जो गुजरात छोड़कर भाग रहे हैं। लोगों का कहना है कि स्थितियाँ उतनी ही ख़राब हैं जितनी पार्टीशन के टाइम पर थी। लोग खचाखच भरी ट्रेनों से इस पार उस पार आ जा रहे हैं। अब आपको बताते हैं इस फोटो की सच्चाई क्या है। ये फोटो गुजरात की है ही नहीं, ना ही इस फोटो का, इस ट्रेन का गुजरात से कोई लेना देना है। यह फोटो 24 जुलाई 2010 को मथुरा के गोवर्धन में खींचा गया था। यह मौका था गुरु पूर्णिमा का। गुरु पूर्णिमा पर गोवर्धन जी में मेला लगता है, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा होती है। दूर दूर से लोग इसमें शरीक होने के लिए आते हैं। इस दौरान इधर आने वाली सारी ट्रेनों में बहुत भीड़ होती है। ऐसी ही एक फ़ोटो इस भीड़ भरी ट्रेन की भी है, जिसे गुजरात की बताकर शेयर किया जा रहा है। यह फ़ोटो न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स से ली गई है और फोटोग्राफर के अरोड़ा ने इसको कैप्चर किया है। अब आपको गुजरात वाले केस का स्टेटस बताते हैं। गुजरात में स्थितियां सच में ख़राब हैं। बाहर से आए हुए मजदूरों की बस्तियों, झोपड़ियों, कारखानों को निशाना बनाया जा रहा है। गुजरात से काफ़ी संख्या में बिहार और यूपी के लोग छोड़कर जा रहे हैं। इनकी संख्या हजारों में है। स्थितियां ज़्यादा बिगड़ गई तब जाकर राज्य सरकार सख्त हुई। इससे जुड़े मामलों में अब तक 400 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन हालत अभी भी ख़राब है। लेकिन इतने ख़राब नहीं है कि उनकी तुलना पार्टीशन से या किसी दूसरी मानव त्रासदी से किया जाए। पार्टीशन एक बहुत बड़ी मानव त्रासदी थी और उसका इतिहास हमेशा सबसे खौफनाक रहेगा, लेकिन ऐसी घटनाओं को इससे जोड़कर नहीं दिखाना चाहिए। साथ ही गुजरात के लोगों को भी ये समझना चाहिए कि एक आदमी किसी राज्य का, किसी समुदाय का नेतृत्व या प्रतिनिधित्व नहीं करता है। हमारी पड़ताल में ये फोटो गलत साबित हुआ। 2010 के फोटो को 2018 की घटनाओं से जोड़कर दिखाया जा रहा है, जो सरासर गलत है। अगर आपके पास में ऐसा भी कोई फोटो है, वीडियो है, मैसेज है जिस पर आपको डाउट है और आप उसकी पड़ताल करवाना चाहते हैं, तो हमारी ईमेल एड्रेस lallantopmail@gmail.com पर उसको भेज दीजिए। हम उसकी सच्चाई पता करके आपको बताएंगे। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे थे तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने हमारा एंड्रॉयड ऐप दी लल्लन टॉप डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कीजिए, और हमारे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि आपको ये सब कैसा लगा। शुक्रिया।